वीरांगना ऑन व्हीकल योजना के तहत महिला पुलिस थानों में टू व्हीकल देने के लिए सरकार ने काम किया है, जिसके तहत ही हमीरपुर जिला में महिला पुलिस थाना को 6 टू व्हीलर बुलेरो गाड़ी और एक बुलेट दिए गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस थाना को 2 व्हीलर और एक बुलेरो और एक बुलेट देने की घोषणा की थी। इसी के चलते हमीरपुर पुलिस लाइन में 6 टू व्हीलर व एक बुलेरो और एक बुलेट पहुंच गए हैं, जिसके चलते अब महिला पुलिस भी मामलों की तफ्तीश के लिए त्वरित कार्रवाई करने के लिए मौके पर पहुंच सकेगी। वहीं एसपी कार्तिकेन गोकुल चंद्रन का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीएम जयराम ठाकुर ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2 व्हीलर और एक बुलेरो और एक बुलेट देने की घोषणा की थी, जो कि हमीरपुर पुलिस लाइन में पहुंच गई है। वहीं एसपी का कहना है कि बहुत जल्द ही जिस महिला थाना में इनकी आवश्यकता होगी उन महिला थानों को 2 व्हीलर बुलेरो गाड़ी भी दे दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शिकायतें और छानबीन आने पर अब त्वरित तौर पर पुलिस कर्मी पहुँच सकेंगी। हमारे महिला सुरक्षा के लिए जैसे आप सब जानते हैं हमारे सीएम साहब ने लॉन्च किया था, ये हमारे डीजीपी साहब का इनिशिएटिव था। तो ये जो स्कूटीज़ हैं हम अलग अलग यूनिट्स में हम बांटेंगे, थानों में बांटेंगे, और इससे जो भी हमें शिकायतें आती है, पिटिशन डिस्पोजल होता है, एफआईआर के जो काम होते हैं, इन्वेस्टिगेशन का काम होता है, उनमें हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अभी उसका निर्णय लेना है, जहाँ पर वैकेंसी है उस हिसाब से हम इसको प्लान करेंगे कहाँ से अभी तक हम करते हैं। और सर कितनी स्कूटियाँ हैं यहाँ पे? अभी 6 स्कूटियाँ हैं और एक बाइक भी मिला है और एक बोलेरो भी नया वाला आया है। तो ये सब गाड़ियाँ हमारे पुलिस फोर्स का मोबिलाइजेशन के लिए काफ़ी मदद होगी। ठीक है।